मेरा नाम अपूर्व है और मैं जा रहा हूँ भारत के जंगलों को एक्सप्लोर करने ईगल सफारीज के साथ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ के सफारीज का एक्सपीरियंस कैसा होता है। ईगल सफारीज द्वारा ऑर्गेनाइज इस सीरीज में मैं ऐसे ऐसे जंगलों में जाने वाला हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया। तो तैयार हो जाइए भारत के जंगलों के असली एडवेंचर को देखने के लिए। एंड नाउ लेट्स वॉक इनटू द वाइल्ड। स्वागत है एक नए सफारी पे। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ रणथंभौर में अपनी पहली कैंटर सफारी पे। मैं अभी इस कैंटर में पहला हूँ और अब ये कैंटर अलग अलग रिजॉर्ट से और लोगों को पिक करेगी। कैंटर एक बस की तरह होती है जिसमें 20 लोग एक साथ सफारी पे जाते हैं। कैंटर और जिप्सी में सफारी करने का अलग अलग एक्सपीरियंस है, और होपफुली आज ये कैंटर की सफारी का एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगे। अभी हम आ गए हैं रणथंभौर के उस गेट पे जहां से जोन 1 से 5 तक के जाने का रास्ता है। मेरे इस सीरीज को ऑर्गेनाइज किया है ईगल सफारीज ने, जो बंजारा ट्रेवल्स का पार्ट है। ईगल सफारीज एक्सपर्ट हैं भारत के अलग अलग जंगलों में वाइल्ड लाइफ ट्रिप्स और सफारी को ऑर्गेनाइज कराने में। अगर आप भी ऐसे सफारी पे जाना चाहते हैं तो ईगल सफारीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। ये आ गया जोन 1 से 5 तक का अलग अलग रास्ता। आज हमारी सफारी जोन 3 में है और वहां जाने का रास्ता एकदम सीधा है। जोन 3 में एंटर करने का ये है लास्ट एंट्री पॉइंट, जिसको जोगी महल गेट कहते हैं। और अब स्टार्ट होती है हमारी जोन 3 की सफारी। जोन 3 की सफारी हमेशा डिमांड में रहती है, लेकिन आजकल इसकी डिमांड और बढ़ गई है क्योंकि एक टाइग्रेस है जिसका नाम रिद्धि है, वो आजकल यहाँ अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ दिख जाती है। इस जोन में 3 लेक्स हैं, जिनमें से ये है सबसे पहला, जिसका नाम है पद्म तालाब। इन सारे लेक्स के चलते जोन 3 को सबसे सुंदर जोन माना जाता है। इन लेक्स के आसपास अलग अलग प्रकार के बर्ड्स और ढेर सारे क्रोकोडाइल मिल जाते हैं। लोगों ने बहुत बार इस महल में टाइगर को बैठे हुए देखा है और उसकी फोटो भी ली है। इस लेक के आसपास के एरिया में आजकल रिद्धि अपने बच्चों के साथ दिख जाती है, और अधिकतर सफारी गाड़ियां यहीं उसको देखने के लिए वेट करते रहते हैं। अभी कोई टाइगर तो नहीं, लेकिन ये कुछ हिरन यहाँ घास खाते मिल गए। वैसे तो रिद्धि की अपने बच्चों के साथ साइटिंग एंट्री गेट के आसपास ही हो रही है, लेकिन अभी वहां कोई मूवमेंट नहीं थी, तो हम जोन 3 को और एक्सप्लोर करने जा रहे हैं।
धूप तो अब तेज होती जा रही है, लेकिन सारे रिद्धि के बच्चों को देखने के लिए उसका वेट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद अब हम और आगे जा रहे हैं। अभी रणथंभौर में चारों ओर हरियाली है और ऐसे में टाइगर साइटिंग गर्मी की तुलना में थोड़ा कठिन है। सुबह से जंगल एकदम शांत है और अभी तक किसी ने कोई अलार्म कॉल नहीं सुनी। अलार्म कॉल होने पे कम से कम एक होप होती है और समझ में आता है कि किस डायरेक्शन में टाइगर को खोजना है। अब हम फिर से लेक के पास आ गए हैं और ये सामने है जोगी महल। इस बर्ड का नाम है डार्टर और इसको स्नेक बर्ड भी कहते हैं। जोन 3 में तालाब के आसपास ऐसे ही अनेक प्रकार के पक्षी और जानवर दिख जाते हैं, तो अगर टाइगर ना भी दिखे तो भी सफारी करने का अलग आनंद आता है। और तालाब के आसपास हरे हरे घास को खाने के लिए यहाँ एक हिरणों का झुंड भी आ गया है। रणथंभौर के इस सुंदर व्यू को देखना अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। और जहां हिरन है तो उनके दोस्त यानी लंगूर भी दिखे जाते हैं। टाइगर दिखना ना दिखना हमेशा भाग्य के ऊपर है, लेकिन अगर आप सच्चे वाइल्ड लाइफ या नेचर लवर हैं तो आप जंगल के इन सारे सीन्स को और मोमेंट्स को एंजॉय करेंगे। अब हम फिर से लेक के दूसरे हिस्से के पास जा रहे हैं। और ये फिर से वही डार्टर पक्षी है। इसके लंबे गर्दन के कारण इसको स्नेक बर्ड भी कहा जाता है। ये पक्षी पानी के अंदर शिकार करता है और मछली को निगलने से पहले हवा में उछालता है। इनको अधिकतर पानी के आसपास पंख फैलाए बैठे देखा जा सकता है। असल में हर बार शिकार करने के बाद इनको अपने पंख को सुखाना पड़ता है ताकि ये दोबारा पानी में डुबकी लगा सके। और शोर मचाने में फेमस ये है रेड वॉटल्ड लैपविंग। अब फिर से टाइम है इस सुंदर से व्यू को छोड़ के टाइगर को सर्च करने का, लेकिन उससे पहले अब एक ब्रेक के लिए हम वापस से जोगी महल गेट के पास जा रहे हैं। वैसे इन रास्तों पे भी बहुत बार टाइगर को देखा गया है और रिद्धि और उसके बच्चे भी आसपास इसी एरिया में दिख जा रहे हैं। Thank you.
और ब्रेक के टाइम ये बर्ड हमसे मिलने आ गई। ये है रूफस ट्री पाई। ये कौओं के परिवार से आते हैं और शहरों में भी पेड़ पौधे वाले एरिया में दिख जाते हैं। इस बर्ड को आप रणथंभौर के जंगलों में लोगों के पास बिना डरे हुए जाते हुए देख सकते हैं। असल में हमेशा से लोगों ने इन्हें अपने हाथों से खाना देने की आदत डाल दी है, तो अब ये उसी के आस में लोगों के पास चले जाते हैं। अब रूल्स स्ट्रिक्ट होने के साथ लोग भी जागरूक हो चुके हैं और इन्हें अब कोई खाना नहीं देता। और एक छोटे से ब्रेक के बाद अब हम फिर से सफारी के लिए जा रहे हैं, एक लास्ट ट्राई करने के लिए। वैसे तो अब दिन निकल आया है और धूप भी होने लगी है, लेकिन जब तक हम सफारी में हैं तब तक हमें ट्राई करते रहना होता है। अब फिर से लेक के किनारे हम ट्राई कर रहे हैं कि शायद कोई टाइगर दिख जाए। आज जंगल सुबह से ही शांत है और आसपास इतने हिरन और लंगूर होने के बाद भी कहीं कोई कॉल नहीं सुनाई दी। यहाँ एक हिरन का बच्चा अपनी माँ के साथ है। हिरन के छोटे बच्चे अपने आप को शिकारी जानवर से बचाने का एक अनोखा तरीका अपनाते हैं। जब भी इन्हें खतरा लगता है तो भागने के बजाय ये एक स्थान पर बिना हिले डुले बैठ जाते हैं ताकि शिकारी जानवर इन्हें देख ना पाए। और पास में पेड़ पे ये लंगूर का बच्चा दिख गया, जो हमें देख के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है। और अब टाइम आ गया है जब हमें सफारी से एग्जिट करना है। कल की तरह आज तो मुझे टाइगर नहीं दिखा, लेकिन यहाँ कैंटर सफारी का एक नया एक्सपीरियंस मिल गया। रणथंभौर में जिप्सी की सफारी अधिकतर बुक्ड मिलती है और ऐसे में ये कैंटर सफारी जंगल को एक्सपीरियंस करने का एक अच्छा तरीका है। ईगल सफारीज के साथ मेरे इस सीरीज का ये पहला डेस्टिनेशन रणथंभौर तो ओवर हो गया, लेकिन अब टाइम है किसी और जंगल में सफारी को एक्सपीरियंस करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आपको और ऐसे जंगल घुमा सकूं। और अगर आप भी ऐसे सफारी पे जाना चाहते हैं तो ईगल सफारीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।